टेक्निकली माउथ ऑर्गन सीखने के, जिसके अंदर मैंने कोई सॉन्ग नहीं सिखाया, सिर्फ माउथ ऑर्गन के जो परफेक्ट पार्ट होते हैं कि कैसे आप उस ऊंचाई को छुएंगे, तो उसके मैंने 7 वीडियो बनाए, ठीक है। तो वो 7 और ये 20, ऐसे 27 वीडियो की लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक है। तो 27 वीडियो, और वो भी पर्टिकुलर एक ऑर्डर से चलेंगे। आपको कोई भी गाना कभी भी नहीं प्ले करना है, एक लाइन से प्ले करना है, ठीक है। बहुत सी कमेंट मुझे आती है, सर ये गाना आप हमको सिखाइए, जबकि वो गाना ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया सभी दर्शकों के लिए। तो देखो 7 जो वीडियो है, मैं आपको नाम यहाँ पर गिना दूँ और आपको स्क्रीन पर उसके जो लिंक भी ये दिख जाएगा उसका, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो हाउ टू प्ले माउथ ऑर्गन, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, और सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से। जो सबसे खास वीडियो है मेरा वो है हाउ टू प्ले माउथ ऑर्गन, वो बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाने वाला वीडियो है मेरा, अब तक का 100K उसने पार कर चुका है उस वीडियो। तो उसके अंदर मैंने बहुत ही शांति से धीरे से ऐसा 30 मिनट बहुत सारी बातें बताई, माउथ ऑर्गन तो बिल्कुल नहीं सिखाया। और बहुत सी कमेंट भी आती है, कुछ कुछ लोग मुझे बोलते हैं अरे आप तो बात ही कर रहे हैं कुछ सिखा नहीं रहे, लेकिन मैंने वो प्रेरणा देने के लिए इंस्पिरेशनल वीडियो बनाया था और बहुत लोगों को पसंद आया, तो मैं सभी को शुक्रिया करना चाहूँगा इसके लिए। और सेकंड जो है वहाँ से फिर स्टार्ट होता है सारे गम पा, ठीक है, आप सभी जानते हैं सारे गम पा सबसे मेन है, जिसके अंदर मैंने ट्विंकल ट्विंकल सीखा है। दूसरा मेरा वीडियो है बर्थडे सॉन्ग, वो पर्टिकुलर आपको करना ही करना है, उससे आपको जो ग्रिप मिलेंगी ना कोई भी गाना बजाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा मैंने बनाया व्हाट इज़ ऑक्टेव, वो पता नहीं किन लोगों ने देखा नहीं देखा, और बोरिंग सा होगा लेकिन म्यूज़िक देखो दोस्तों, म्यूज़िक सीखना है तो आपको ज़रूरी है। व्हाट इज़ ऑक्टेव मतलब सप्तक क्या है, सप्तक में जो सारेगामा की रेंज होती है माउथ ऑर्गन की, और ऐसा ज़रूरी है, वो फ्लूट वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, गिटार वालों के लिए भी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सीख रहे हो तो ऑक्टेव सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्टेव मतलब सप्तक होते हैं अलग अलग, तो लो पिच, मिडल पिच, हाई पिच, वो सब मैंने डिटेल में उसमें बताया। उसके बाद आता है राग यमन, मैंने बस एक बेसिक राग लिया, ऐसे तो बहुत राग है, मैं आपको बहुत सिखाऊंगा, लेकिन क्या अभी ऐसा होता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचने की। राग यमन मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया था कि तीव्रम का कैसे लीवर से हम यूज़ करते हैं माउथ ऑर्गन में लीवर, ठीक है, तीव्रम परमेल प्रवेशक स्वर कहते हैं हम उसको। तो ये राग यमन, उसके बाद आता है व्हाट इज स्केल, स्केल क्या है, देखो ऑक्टेव और स्केल अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके अंदर मैंने व्हाट इज स्केल के अंदर स्केल क्या है ये बहुत डिटेल में बताया। तो जैसे आपने सुना होगा शब्द जी स्केल, जी माइनर स्केल, एफ मेजर स्केल, सी माइनर स्केल, तो ये जो होता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने इसके अंदर बताया है। लास्ट वीडियो है हाउ टू मेक नोटेशन, तो नोटेशन जो है अपने अपने मन से कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो मैं अपने मन से कोई भी गाने का कोई भी नोटेशन बना देता हूँ, मैं कंपोज कर सकता हूँ, तो वो कैसे करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मैंने बहुत सारा उसको फोकस में लाया है उस चीज़ को कि ये कैसे होता है मैकेनिज़्म, एकदम से तो नहीं आएगा लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं और आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा, आपका ट्यूबलाइट जल जाएगा, अच्छा ये ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो ये तो हो गया चैप्टर क्लोज, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं एक ऑर्डर है, उस सीक्वेंस से ही आपको सीखना है तो बहुत ज़्यादा ग्रिप मिलेगी। तो आपको मैं बता दूँ, मैंने अब तक 20 गाने आपको सिखा चुका हूँ माउथ ऑर्गन के, सिर्फ इंडिविजुअल फ्लूट के, गिटार के, वो सब छोड़ दो, सिर्फ माउथ ऑर्गन के 20 गाने। तो इसके अंदर आता है पहला ये शाम मस्तानी, ठीक है, ये शाम मस्तानी। सेकंड है शोले, शोले की जो थीम है ला 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 ला, ला, ला। अमिताभ ने जो बजाई उसके साथ ही साथ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है मेरी माँ, तारे ज़मीन पर फिल्म सभी ने देखी है, मैं कभी, ठीक है, बतलाता नहीं। फोर्थ सॉन्ग है मैं तेनु समझावा की। नेक्स्ट है एक अजनबी हसीना से। सिक्स नंबर का गाना होगा तू जाने ना कैसे बताए कि तुझको चाहे, कैसे बताए तू जाने ना, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है जनगण मन, ठीक है। 8 नंबर पे है सुन मेरे हम सफर। नेक्स्ट आता है दिल दिया गल्ला। 10वें नंबर पे आ रहा है बारिश चेहरे पे तेरे खुद को मैं ढूंढूं।
तो नेक्स्ट है 11 नंबर पर आ रहा है बागी 2 ओ साथी, आप सभी ने सुना टाइगर श्रॉफ दिशा पटानी, तो ओ साथी। नेक्स्ट है संदेह से आते हैं बॉर्डर फिल्म से, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर पर मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, तो माउथ ऑर्गन पर बहुत अच्छा बजता है गाना और बहुत अच्छे से मैंने सिखा भी दिया है पूरा नोटे, ये सारे गाने विथ नोटेशन है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट है जब भी मिट से तुमसे ही, बहुत ही फेमस गाना तुमसे ही, अब इसमें भी ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है तुमसे ही और ना हो ना, ये एक ही गाना, ठीक है। नेक्स्ट है आफरी आफरी, ये बहुत ही फेमस राहत फतेह अली खान साहब का गाना है, आपने सुना ही होगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। नेक्स्ट है आई लव यू बॉडीगार्ड, ये बहुत ही मतलब एक साल पहले का गाना है, ये बहुत पहले सिखाया था मैंने गाना बॉडीगार्ड से और इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है, जबकि ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं गाना, मिलता ही नहीं शायद आप लोगों को मेरे चैनल पे, तो इसका नोटेशन मैं दे चुका हूँ, अच्छे से सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट है ये गाना भी बहुत अच्छा है, ये भी एक साल पहले सिखाया था पीके फिल्म से, नंगा पुंगा टिंगा पुंगा, बहुत ही अच्छा। ये मुश्किल गाना है इसलिए मैंने लास्ट में रखा है प्लेलिस्ट में, आप बहुत बाद में सीखना, बहुत स्पीड है इसमें। हाँ इससे तो पूरी सांस फूल जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट है शेप ऑफ यू, ये तो बिल्कुल कैंसिल ही कर दो, स्किप कर दो, बजाओ ही मत, बहुत हार्ड कोर गाना आएगा शेप ऑफ यू। बहुत फेमस है एड शेरन का शेप ऑफ यू, आप जानते होंगे इंग्लिश सॉन्ग है और बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग है जो सिखाने बाकी है, जैसे गर्ल लाइक यू बहुत ही बढ़िया गाना है, वो भी सिखाना, बहुत सारे गाने फेडेड है वगैरह वगैरह, सब करेंगे हम धीरे धीरे। और देखो अब हम आ गए 19th गाने पे, तो 19वें नंबर पे आता है पहली नज़र। पहली नज़र का मैंने क्या किया था, मैशअप कर दिया था, मैंने 13 घाटा गाना माउथ ऑर्गन पे लिया, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाला और फिर लास्ट में था पहली नज़र, तो शायद तब तक व्यूवर ने देखा ही नहीं। तो अभी मैंने क्या करना है कि उसको मैं या तो रखता हूँ या तो डिलीट करता हूँ और पहली नज़र निकाल के फिर से अपलोड करता हूँ अलग से, तो शायद उस पर फोकस आएगा, क्योंकि पहली नज़र करना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। आप अगर माउथ ऑर्गन बजाते हैं तो पहली नज़र ज़रूर बजे, बहुत ही अच्छा बजता है, आप कहीं भी बजा सकते हैं उसको, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल वो गाना बजाएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वो गाना बजाते हैं कहीं भी। तो अभी लास्ट में सिखाने वाला हूँ, जो अभी वीडियो अपलोड नहीं किया, तो पहली नज़र मैं एक्स्ट्रा अपलोड करने वाला हूँ जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, जो मैशअप के अंदर है विथ नोटेशन है, ऐसा नहीं कि पहली नज़र सिर्फ टाइटल दिया हुआ है, अंदर का जो अंतरा हर बार मैं अंतरा भी देता हूँ, तो वो भी मैंने दिया है अंतरा, जिसको बोलते हैं सेकंड पैराग्राफ गाने का सेकंड हाफ, तो वो भी दिया है। और यहाँ पर अब मैं लास्ट 20 नंबर का जो गाना है वो अपलोड करूँगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद, वो होगा जिंगल बेल, जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है आपको, तो वो बहुत अच्छा है जिंगल बेल वो ज़रूरी है, उससे सांस वगैरह थ्रोट प्रॉब्लम जो भी है आपके क्लियर हो जाएंगे। और मुझे बहुत सी कमेंट आती है, क्या पता नहीं बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो इतना आप है ना माउथ ऑर्गन के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, जो जो मैंने कहा बस वो फॉलो करिए और दिल से बजाइए ज़्यादा, और क्या होता है इधर उधर के बहुत सारे वीडियो देखने के बाद फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे आपके मन में, तो ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल, आपको खुली छूट है, आप देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, आप देखो, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, फिर बाद में कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, देखने में कोई दोहरा नहीं है लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, तो आप पता नहीं क्या सोचते हैं इस बारे में, ये अलग टॉपिक हो सकता है, जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया था एक अलग से, लेकिन म्यूज़िक के बारे में है, लेकिन मैंने वो इसमें डाला नहीं, आपकी प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है वन मिस्टेक, आपको दिख जाएगा थंबनेल में। वन मिस्टेक के अंदर मैंने ये लिया है कि कोई भी राह चलता उठाई गिरा आके म्यूज़िक सीखने की कोशिश करता है और उसको क्या पता नहीं क्या समझ के बैठता है कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, तो वो गलत हो जाता है। तो म्यूज़िक सीखने से पहले सबसे पहले आती है श्रद्धा उस चीज़ के प्रति, जैसे धर्म है, तो धर्म क्या होता है, धर्म वो नहीं है जो हम करते कि जाके किसी शिव मंदिर में जाके दूध चढ़ा दिया भगवान शिव को, ये धर्म नहीं होता है। धर्म होता है उसी मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है वो भूखा है 3 दिन से, उसके लिए आपके मन में क्या जागरूक होता है, तो वो अगर आप उसको, आपके मन में अगर कोई भावना ही नहीं है आप, तो फिर उसे हम धर्म नहीं कह सकते। तो बस ये ऐसी छोटी मोटी बातें होती है, तो मैंने म्यूज़िक के बारे में लोग क्या सोचते हैं और म्यूज़िक सीखने से पहले हम क्या गलती कर बैठते हैं वो वन मिस्टेक के अंदर समझाया था, अगर वक्त मिले तो कभी देख लेना। तो चलिए ये वीडियो करते हैं हम यहीं पर ख़त्म,
और प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी कुछ सीखना है, जो भी आपका कुछ छूट गया है, ये ऑर्डर मैंने बताई, ये गाने इसी ऑर्डर में सीखना है आपको। अगर ये ऑर्डर आपने फॉलो नहीं की, कहीं भी कोई भी अगर डायरेक्ट मिले हो तुम हमको जो 13 नंबर पे, तो आपको ठीक से आएगा नहीं। ये ऑर्डर है, पहले सात वीडियो मैंने पहले जो सिखाया आपको, सात, जिसके अंदर मैंने बोले आपको एक से एक, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट सिक्स, तो वो आपको सीखना है। पार्ट सिक्स मैंने दे के रखे हुए, पार्ट सिक्स आपको सीखो पूरे के पूरे। और पहला जो है गाने, ये शाम मस्तानी से चालू होगा और पूरा यहाँ तक, फिर वो जिंगल बेल अभी जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी केयर कीजिए, मज़े कीजिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।